कि ASP.NET के अंदर हम काम किस तरीके से शुरू करेंगे, पहली चीज। ASP.NET के अंदर हम फॉर्म्स कैसे डिजाइन करेंगे, दूसरी चीज। फॉर्म डिजाइन करने से पहले एक अच्छी चीज हम और समझ लेंगे, मास्टर पेज, मास्टर पेज के बारे में। फिर हम यहाँ पर फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, और फॉर्म्स के अंदर फिर हम कंट्रोल्स को यूज करके देखेंगे। तो आज ये सारा काम हम करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इन कामों को, ये देखो। सबसे पहले मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है, और विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर फाइल में आता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू, और यहाँ पे लेते हैं प्रोजेक्ट, ठीक। अब आपके पास कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, विजुअल सी शार्प, तो हमें विजुअल सी शार्प में ही काम करना है, तो मुझे यहाँ पे लेना है विजुअल सी शार्प, ठीक। और विजुअल सी शार्प में आने के बाद अब देखो यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास विंडोज फॉर्म ऐप तो जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है, कॉन्सोल ऐप जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है, जो हमने काम कर रखा है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ASP.NET के अंदर फॉर्म्स डिजाइन करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आता है वेब का ऑप्शन। अब जब मैं वेब में आता हूँ तो यहाँ पर आता है मेरे पास एक ASP.NET कोर जिसमें अभी हम काम नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पर ले लेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन, इसका नाम दे दो, लोकेशन दे दो, और इसको ओके कर दो। सबसे पहला काम हमें ये करना है, और जब हम यहाँ पे ओपन करते हैं इसको तो ये बोलता है कि भाई आप किस तरह का वेब फॉर्म बनाना चाहते हो, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास यहाँ पे। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी मैं सीधा ले लेता हूँ यहाँ पे एम्प्टी, और मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। एम्प्टी लेने का मतलब ये है कि मैं हर एक चीज़ मैनुअली करके आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ गया है, ये हमारा वेब एप्लीकेशन है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड करता हूँ, और ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेब फॉर्म्स, तो ये जो हमारे वेब फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हमारा वेब फॉर्म यहाँ पे आ चुका है, ठीक। अब देखो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दिखा दूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं वेब फॉर्म्स को लेके और इसके कंट्रोल्स को लेके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ मास्टर पेज। मास्टर पेज होता क्या है, तुम देखोगे कि किसी वेबसाइट्स के अंदर जो हमारे हेडर होते हैं और जो हमारे फुटर होते हैं वो कॉमन होते हैं। यदि मान लो मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को ओपन करूँ, मान लो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ नवभारत टाइम्स को, अब यदि मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँ तो आप जरा गौर से देखोगे कि ऊपर का जो हेडिंग्स हैं, ऊपर में जो कंटेंट होते हैं वो वाले कंटेंट, और जो नीचे वाले कंटेंट, ये वाला जो कंटेंट है ये कोरोना वायरस और ये जो कंटेंट है और नीचे वाला ये जो कंटेंट है ये कभी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, बीच वाले न्यू चेंज होते रहते हैं। स्टाफ कहाँ से आएंगे, 5 दिन के लिए जरूरी क्वारंटाइन पर केजरीवाल, तो ये जो केजरीवाल जी का भाषण है यहाँ पर हम सुन लें। और यहाँ पर देखने के बाद आप जरा गौर से देखो, नीचे वही है, नीचे में चेंजेस नहीं है और ऊपर में भी चेंजेस नहीं है, ऊपर में वही कोरोना वाले भाई साहब आ रहे हैं, ठीक। तो ये हम लोग करते कैसे हैं, तो इसके हम लोग बनाते हैं मास्टर पेज। तो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्म ले लिया, अच्छी बात है। अभी मैं पहले मास्टर पेज बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक ऐड, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ न्यू आइटम, और मुझे यहाँ पे क्या लेना है, मुझे यहाँ पे लेना है मास्टर पेज, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेब फॉर्म के ऊपर, मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेब फॉर्म मास्टर पेज, तो मैं यहाँ पे मास्टर पेज ले लेता हूँ। अब ये देखो इसका नाम है साइट वन डॉट मास्टर, इसका एक्सटेंशन मास्टर होता है, ये रन नहीं करता है। इसके अंदर हम हेडर फुटर्स डालते हैं और उसको हर एक पेज में अटैच करते हैं। ये देखो ये हमारा मास्टर पेज भाई साहब आ गए, ठीक है। अब ये हमारा ये जो एरिया है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट प्लेस होल्डर। मैं चाहूंगा कि ऊपर में नीचे में कुछ हो जाए और बीच में अपना हम काम, ये कंटेंट का एरिया है, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना। तो मैं करता हूँ क्या हूँ कि एक टेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ इंसर्ट टेबल, और मैं यहाँ पे 3 रो का और एक कॉलम का एक टेबल बना देता हूँ, 3 रो एक कॉलम। और ये वाला जो कंटेंट वाला एरिया है मैं इसको बीच में डाल देता हूँ, डाल दिया। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे मैं हेडर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे हेडर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TH, मैं यहाँ पे हेडर डाल देता हूँ, और हेडर में मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स डाल दिया। और बेहतर होगा कि थोड़ा सा मैं इसको H1 कर दूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, दिखेगा थोड़ा बेहतर। तो मैं यहाँ पे H1 कर देता हूँ, कर दिया। तो ये हमारा मास्टर पेज यहाँ पे बन गया। मैं एक काम करता हूँ और यहाँ पे एक लाइन और डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक कम से कम एक हॉरिजेंटल लाइन तो ले ही लूँ, बीच में एक लाइन आता रहेगा तो भाई आपको लगेगा, आपको फीलिंग आएगी हेडिंग्स की। तो मैं यहाँ पे एक HR ले लेता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
और मैं यहाँ पे इसके नीचे आता हूँ, डिजाइन में आ जाओ। ये देखो, ये है सोर्स और ये है डिज़ाइन। डिजाइन में आ जाओ। तो मैं अब यहाँ पे आता हूँ नीचे में, ये वाला जो पोर्शन है, और नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टीएच कर देता हूँ। टीएच करने से फ़ायदा ये होता है कि सेंटर लाइन हो जाती है, बोल्ड हो के आ जाता है। और मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कॉपी राइट एट द रेट ऑफ याहू डॉट कॉम, याहू डॉट कॉम। ठीक, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया कॉपी राइट एट द रेट ऑफ, तो नीचे में हमारा ये कॉपी राइट आ रहा है, ऊपर में हमारा ये आ रहा है। और ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा सा तुम और यहाँ पे कलाकारी कर सकते हो तुम। अब जैसे मान लो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें तुम थोड़ा सा कलाकारी करना चाहो तो और भी कई सारे कलाकारी तुम यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब यहाँ पे और भी आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप कर दें, और मैं इतना कहाँ उससे काम करूँगा। मैं जाता हूँ सोर्स में और मैं यहाँ पे H1 और मैं यहीं पर लगा देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, और स्टाइल में मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए ना यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेम। ठीक, ये हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लिया इसका, और यही बैकग्राउंड कलर मैं इस भाई साहब का भी डाल देता हूँ, नीचे भी डाल देता हूँ। तो हेडर एंड फुटर हमारा थोड़ा सा उसी स्टाइल में आ जाएगा, तो थोड़ा देखने में बेहतर लगेगा। ये देखो आ गया। अब हमने हेडर बना लिया, हमने फुटर बना लिया, और भी कुछ आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल दें। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं साइड में, यहाँ पे ये जो हमारा है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज डालना है, तो मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक इमेज डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ, एक और टी आर में डाल देता हूँ, टी एच में डाल देता हूँ, टी आर डाल देता हूँ। टी आर के अंदर डालो, यहाँ पे मत डालो। तो मैं इस टी आर को कॉपी कर लेता हूँ और इस टी आर के नीचे यहाँ पे एक और टी आर डालता हूँ, और इस टी आर में मैं एक इमेज डाल देता हूँ, है ना। तो टी एच की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ IMG, और SRC इज इक्वल टू। या फिर आप एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बना लो, राइट क्लिक, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऐड, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ न्यू फोल्डर। तो मैं यहाँ पे इमेज के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, जितने भी इमेजेस होंगे अब इसके अंदर जाते जाएंगे, और इसके अंदर मैं कुछ इमेज ऐड कर देता हूँ, राइट क्लिक ऐड, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एग्जिस्टिंग आइटम। तो जो हमारे इमेज हैं, कोई भी इमेज हम उठा लेते हैं जो हमारे पास हों अवेलेबल, और वो जो भाई साहब लोग हैं इमेज वाले, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन से भाई साहब लोग हैं। ये डेस्कटॉप फोटो, चलो भाई मैं धोनी जी को ही ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ms.jpg डाल दिया, और अब मैं यहाँ पे इस टी एच के अंदर क्या करता हूँ, ये जो हमारा टी एच है, इस टी एच के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये देखो हमारे पास यहाँ पे इमेज होता है ना, तो मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, और इस इमेज के प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, और यहाँ पे होता है इमेज यूआरएल, और इमेज यूआरएल में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमने इमेज लिया था ms.jpg का, उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसका साइज वगैरह डालना है तो आप यहाँ पे साइज वगैरह सेट कर दो, ठीक। अदरवाइज रहने देना है तो यहाँ पे रहने दो, कोई ये नहीं है। जैसे हाइट है और विड्थ है, ये सब सेट करना है तो आप यहाँ पे सेट कर दो, बाई डिफॉल्ट वैसे हम रहने देते हैं जो आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हमने धोनी जी को ला दिया। अब तुम चाहते हो धोनी जी के अलावा कोई और भाई साहब आ जाए तो उनको भी डाल दो। ये हमने मास्टर पेज बना लिया अपना, अब हमारा तैयार हो गया मास्टर पेज। अब हम यहाँ पे आते हैं, करते हैं राइट क्लिक, हम यहाँ पे करते हैं ऐड, हम यहाँ पे करते हैं न्यू आइटम, और न्यू आइटम हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे वेब फॉर्म। अब हम यहाँ पे बोलते हैं वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, हम नॉर्मल वेब फॉर्म ऐड नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बोलते हैं वेब फॉर्म डॉट मास्टर पेज। और ये देखो हमारा वेब फॉर्म 2 आ रहा है .aspx। अब ये बोल रहा है कौन सा मास्टर पेज, तो हमारे पास एक ही मास्टर पेज था, इस मास्टर पेज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मास्टर पेज को। अब ये देखो, अब आप इस एरिया में आ गए, आ गए। अब ये देखो ऊपर में ये है और नीचे ये है, अब मैं इस एरिया में जो भी काम करना चाहूँ काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ, और टेबल में के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंसर्ट टेबल, और मैं यहाँ पे रोज ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे 10 रो ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे 2 कॉलम ले लेता हूँ, या और भी रो बढ़ाने हैं तो और रो बढ़ा दो, मैं 15 रो लेता हूँ और 2 कॉलम्स ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर दो, और नहीं करना है तो भाई बल्ले बल्ले कोई बात नहीं, हम इसको वाइट ही रखने देते हैं अपना। ये यह हमारा यहाँ पे भाई साहब आ गया। अब इसके अंदर तुम अपना फॉर्म डिजाइन कर लो। अब देखो कोई भी फॉर्म होगा तो भाई यहाँ पे आप क्या डालोगे, सब सबसे पहले हम यहाँ पे लेबल ले लेते हैं, कुछ डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, है ना। अब नेम के बाद तुम यहाँ पे क्या लोगे, टेक्स्ट बॉक्स लोगे, तो ये राजी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे उठा के डाल दो, ये राजी हमारा टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, तो हमने नेम ले लिया।
और नेम थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा बेहतर करो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या लेना है, नेम हमने ले लिया ठीक। अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, एम्प्लॉय का नंबर लेना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम्प्लॉय नंबर, तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ गया या एम्प्लॉय का नंबर आ गया। तो फिर से मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, है ना। और टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टीज में आते हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है इसका टेक्स्ट मोड। अब टेक्स्ट मोड में ये देखो, पहले लिखा हुआ था सिंगल लाइन, बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू नंबर। अब भी मैंने टेक्स्ट मोड नंबर कर दिया, तो इसमें केवल अब नंबर ही जाएगा, तो मैं कोई वैलिडेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जो HTML5 वाले फीचर है ना वो आ गए इसमें। जैसे हम लोग नंबर कर देते हैं, तो यहाँ पे इसमें टेक्स्ट मोड कर देते हैं। अब आपने एम्प्लॉय नेम ले लिया, एम्प्लॉय नंबर ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ जेंडर। और जेंडर के अंदर आप यहाँ पे क्या डालना चाहोगे, आप यहाँ पे रेडियो बटन डालना चाहोगे। तो मैं यहाँ पे रेडियो बटन जब भी लूँगा ना, ये देखो मैं यहाँ पे रेडियो बटन डालता हूँ, तो रेडियो बटन आप यहाँ पे ये ले लो, ये मैं रेडियो बटन ले लेता हूँ, और ये भी रेडियो बटन ले लेता हूँ, ले लिया। और इस जेंडर में प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट में मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेल ठीक। और ये जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको फीमेल ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल कर दिया, है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे जेंडर के अलावा एक और चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। अब यहाँ पे समस्या ये है कि मुझे इसके लिए भी रेडियो बटन ही लेना पड़ेगा, इधर या सर नो। तो मैं फिर से रेडियो बटन ले लेता हूँ, ले लिया। और फिर से मैं यहाँ पे रेडियो बटन ले लेता हूँ, और मैरिटल स्टेटस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट में मैरिड, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैरिड, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट में अनमैरिड, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अनमैरिड ठीक। तो मैंने यहाँ पे मैरिड अनमैरिड कर दिया, जो भी है। अब समस्या इसमें ये होगी, अब यदि मैं इसको रन करूँ ना, मैं एक बार रन करके देखता हूँ इसको रन कैसे करेंगे। यहाँ पे रन करेंगे, मैं इसको रन करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा इसको, तब यहाँ पे समस्या क्या है, ये तुम्हारे चारों रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब जेंडर में मेल फीमेल दोनों आ जाएगा, और मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड दोनों आ जाएगा। तो ये तो बड़ी दिक्कत है ना भाई, भाई जेंडर में दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस में दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें सेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यदि मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, आ रहा है, वेबसाइट खुल रहा है, मामूली बात थोड़ी है, विल टेक टाइम। ये देखो, ये ऊपर में हमारा हेडर आ गया, फुटर आ गया, ये देखो नीचे फॉर्म्स आ गया, नीचे हमारा ये फुटर आ गया। अब यहाँ पे समस्या वही आ रही है ना बॉस, अरे ये क्या बहुत ज़बरदस्त। अब ऐसा यदि तुम बना के दोगे तो क्लाइंट तो भाग जाएगा, है ना। तो आप एक काम कर लो कि यहाँ पे जो है ना, इसके प्रॉपर्टीज में आ जाओ, और इसका प्रॉपर्टी होता है ग्रुप नेम, इसका ग्रुप नेम कर दो GR1, कर दिया। और इसका भी ग्रुप नेम कर दो GR1, तो दोनों एक ही ग्रुप में आ गए। अब दोनों जब एक ही ग्रुप में आ गए, तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होंगे। अब इसमें आ जाओ मैरिटल स्टेटस में, यहाँ पे कर देते हैं GR2, कर दिया। और यहाँ पे भी आ जाओ ग्रुप नेम में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ GR2, कर दिया। अब आपने ग्रुप नेम चेंज कर दिया दोनों का, अब यदि मैं इसको रन करूँगा तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। अब इसके अलावा मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे ये भी दिखाना चाहता हूँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, बेरोजगार आदमी है कि क्या है भैया, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ रेडियो बटन लिस्ट, कोई जरूरी नहीं है मैं रेडियो बटन ही लूँ, मैं रेडियो बटन लिस्ट भी ले सकता हूँ, दोनों होते हैं। अब रेडियो बटन लिस्ट लोगे तो यहाँ पर करोगे एडिट आइटम, ये ले लिया, यहाँ पर करोगे एडिट आइटम। अब यहाँ पर करो ऐड 1, 2, अब लिस्ट आइटम में डाल दो, टेक्स्ट में क्या डालना है बोलो, हम बोल देते हैं यस,
उसकी वैल्यू में रख देता हूँ 1। सेम रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ बाई डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड रहे, तो ट्रू कर दो। और लिस्ट आइटम 2 में मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, नो, ठीक है। और वैल्यू में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। इसका मतलब जब मैं यस सेलेक्ट करूँगा तो वैल्यू मुझे 1 मिलेगा, और जब नो सेलेक्ट करूँगा तो वैल्यू मुझे 2 मिलेगा। और भी कुछ डालना है तो यहाँ पे डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मैं बोल देता हूँ पता नहीं, पता नहीं, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि भाई उनका स्टेटस क्या है, ठीक है ना। तो मैं वैल्यू देता हूँ 3, ठीक है, ओके कर दो। ये देखो, ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये मैं एक काम करता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखो कि यहाँ पे हमारा एक स्टेटस होता है रिपीट डायरेक्शन। रिपीट डायरेक्शन में क्या है, वर्टिकल है, तो मैं इस वर्टिकल को हॉरिजेंटल कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे कोई ग्रुप नेम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी हम लोग रेडियो बटन को ले सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पर लेना है लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के लिए तुम क्या लोगे यहाँ पे, ऑलवेज चेकबॉक्स लोगे, तो मुझे यहाँ पे लेना है चेकबॉक्स। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ चेकबॉक्स, और ये रहा जी हमारा चेकबॉक्स, ये रहा हमारा चेकबॉक्स। और लैंग्वेज में तो यही होता है भाई, चेकबॉक्स में तो मैं यहाँ पे मान लो लैंग्वेज में देता हूँ इंग्लिश, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेकबॉक्स में आ जाता हूँ, और टेक्स्ट में मैं यहाँ पे देता हूँ हिंदी, ठीक है। तो जो मुझे चेकबॉक्स यहाँ पे डालना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने डाल दिया यहाँ पे इंग्लिश, और मैंने यहाँ पे डाल दिया हिंदी, लैंग्वेज में डाल दिया। दोनों में से कोई भी, दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से मान लो मैं यहाँ पे लैंग्वेज के बाद यहाँ पे लेता हूँ स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। अब स्किल्स के अंदर मुझे फिर से यहाँ पे चेकबॉक्स लेना है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ चेकबॉक्स लिस्ट। मैं चेकबॉक्स लिस्ट भी ले सकता हूँ, जैसे रेडियो बटन लिस्ट ले रहे थे। यानी कि चेकबॉक्स के लिए भी दो ऑप्शन है, या तो चेकबॉक्स ले लो या चेकबॉक्स लिस्ट ले लो। अब यहाँ पे करो एडिट आइटम, यहाँ पे करो ऐड। अब स्किल में यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ सी। भाई आदमी को सी आता होगा, आदमी को आता होगा पाइथन, या मान लीजिए भाई साहब को जावा भी आता होगा, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जावा। तो ये जो भाई साहब हैं, फिर ये ऐसे आ गए, तो मुझे इसका प्रॉपर्टी चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आता हूँ, यहाँ पे वर्टिकल है इसकी अलाइनमेंट, तो वर्टिकल के जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम चेकबॉक्स लेते हैं। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे लेना है कंट्री, अब कंट्री तो भाई एक ही होगा। अब मान लो मैं यहाँ पे कंट्री में क्या ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्री के अंदर ले लेता हूँ लिस्ट बॉक्स। अब लिस्ट बॉक्स में मैं यहाँ पे एडिट आइटम करता हूँ, ऐड करता हूँ 1, 2, 3। अब लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे टेक्स्ट डाल दो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंडिया। अब यदि मान लो मेरा दोस्त है पाकिस्तान, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पाकिस्तान, ठीक है। और नया दोस्त बना है चाइना, तो हम यहाँ पर चाइना भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों को हमने यहाँ पर डाल दिया। और मैं यहाँ पे फिर से मुझे उसको उस अरेंज करना है तरीके से, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, तो है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ कंट्री के बाद, मान लीजिए मैं यहाँ पे बटन लेता हूँ, मैं यहाँ पे बटन लेता हूँ, ये हमारा सबमिट बटन होगा, हम बोलते हैं शो डिटेल। मैं चाहता हूँ कि जो भी डिटेल तुमने यहाँ पे लिया है, वो सारी डिटेल हम यहाँ पे शो करवा दें। तो शो करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, शो करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, शो डिटेल के ऊपर कोड लिखते हैं। यहाँ पे आके हम अपना कोड लिखेंगे, बटन का क्लिक आ गया, जैसे वहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पे शो डिटेल किया, तो ये बटन का क्लिक आ गया यहाँ पे। और बटन क्लिक के बाद अब मुझे क्या क्या दिखाना है ये बताओ। मुझे सबसे पहले इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू दिखानी है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, मैं यहाँ पर बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, मैं यहाँ पर बोलता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। तो ये मुझे क्या दे देगा, इम्प्लाई नंबर दे देगा। इसी तरह से मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। इसी तरह से मान लो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर ये दिखाना है दोनों में से सेलेक्टेड कौन से हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग जेंडर इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ नल। अब मैं बोलता हूँ इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड इज इक्वल इक्वल टू ट्रू। अभी मैंने रेडियो बटन 1 को चेक कर दिया, देन क्या हो जाएगा,
मैं बोल देता हूँ जेंडर इज इक्वल टू रेडियो बटन वन डॉट टेक्स्ट, ले लिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ अदरवाइज, इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ रेडियो बटन टू डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू देन जेंडर इज इक्वल टू रेडियो बटन टू डॉट टेक्स्ट, जो भी वहाँ पे टेक्स्ट है। तो ये तो आपने जेंडर ले लिया, जेंडर के बाद आपको यहाँ पर लेना है मेरिटल स्टेटस, तो हम बोलते हैं स्ट्रिंग एम एस स्टेटस इज इक्वल टू, तो वो तो आप ले ही लोगे, सेम कोड लिखना है यहाँ पर आपको। अब मैं मेरिटल स्टेटस की जगह अब यहाँ पर इससे उठाना चाहता हूँ एम्प्लॉयमेंट वाला, तो एम्प्लॉयमेंट वाले के लिए कैसे उठाओगे, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि आपने वहाँ पर चेकबॉक्स लिस्ट रेडियो बटन लिस्ट लिया था, तो हम यहाँ पर बोलते हैं ई एम पी एल एस टी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इज इक्वल टू रेडियो बटन लिस्ट वन डॉट टेक्स्ट, जो भी सिलेक्टेड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी ले लिया, और एक काम करते हैं दोनों भाई लोगों को डिस्प्ले भी करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर बोलते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, हम यहाँ पर बोलते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, और जो भाई लोग हैं हमारे जेंडर वाले भाई साहब हैं उनको भी डिस्प्ले करवा देते हैं, और ये जो भाई साहब हमारे हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वाले ई एम पी एल एस टी वाले, हम इसको भी बना देते हैं, है ना। इसी तरह से अब मुझे क्या लेना है यहाँ पे, ये जो चेकबॉक्स है उससे वैल्यू लेनी है, और मुझे चेकबॉक्स लिस्ट से वैल्यू लेनी है, लिस्ट बॉक्स से वैल्यू लेनी है। तो मैं लिस्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे लूँगा, फिर मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट, मैं यहाँ पर बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, और मुझे लिस्ट बॉक्स से वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ लिस्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट लगाते जाइए सारे वैल्यू मिलते चले जाएंगे। इसी तरह से मान लो मुझे यहाँ पे ये चेकबॉक्स लिस्ट से वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, या चेकबॉक्स से मुझे वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट, रिस्पॉन्स डॉट राइट, अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ चेकबॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। लेकिन ये तक काम तुम कब करोगे, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ चेक बॉक्स वन डॉट चेक्ड इज इक्वल इक्वल टू ट्रू, अभी ये हमारा चेक्ड है, देन आप ये कर दो, है ना। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई यदि ऐसा हो कि मान लो हमारा चेक बॉक्स टू भी सिलेक्टेड हो, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ चेक बॉक्स टू डॉट चेक, अभी ये सिलेक्टेड हो, देन मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट इज इक्वल टू चेक बॉक्स वन डॉट चेकबॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट का टी कैपिटल होगा देखो, इसलिए यहाँ पे रेड होके आ रही है, डाल दिया यहाँ पे। लेकिन भाई यदि दोनों सेलेक्टेड होगा तो एक काम कर लो ना, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग और एक्स इज इक्वल टू नल ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट की जगह मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू चेकबॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस, यानी कि पुरानी वाली वैल्यू प्लस स्पेस प्लस चेकबॉक्स टू डॉट चेक, तो दोनों वैल्यू आ जाएंगे ना यहाँ पे चेकबॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, ले लिया। अब मुझे इसे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, और मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ x, तो वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे सारे वैल्यू को उठा रहे हैं, चेकबॉक्स से उठाना है, रेडियो बटन से उठाना है, लिस्ट बॉक्स से उठाना है। भाई आप कभी भी काम करोगे तो फॉर्म्स के अंदर यही तो काम करना है आपको। अब यदि मैं इसे रन करूं यहां पे, बहुत बढ़िया, अब ये भाई साहब चल गए, उस समय मूड खराब हो गया था इसलिए नहीं चल रहा था, कभी कभी होता है इनका बीच बीच में मूड खराब हो जाता है। अब मैं इसको यहां पे रन करूं, मास्टर पेज का काम होता है कि हेडर एंड फुटर डिफाइन कर दो और सारे पेज में उसे जोड़ दो, तो कम से कम जो लुक एंड फील है पेज का वो सेम हो जाएगा हर एक पेज का। आ रहा है भाई साहब, खुल रहे हैं तो धीरे आराम से, टाइम लगता है।
ये देखो, अब मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ संतोष, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डालता हूँ, मैं यहाँ पे मेल लिखता हूँ, मैं मैरिड लिखता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ, यहाँ पे मान लो पाकिस्तान लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक, यार पाकिस्तान पे ना सही नहीं है, इंडिया लिखो, नहीं तो वैसे भी लोग आजकल बहुत परेशान हैं तो बोलेंगे यार ये तो पाकिस्तान लिख रहा है, सो डिटेल कर दो। ये देखो संतोष भी आ गया, 414 भी आ गया, मेल भी आ गया, ये भी आ गया, इंडिया भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया। तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से हम वैल्यू को लेते हैं। अब मान लो अभी तुमने यहाँ पे फॉर्म बनाया अपने, तुमने हेडर पेज हेडर वगैरह सेट करा। अब मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा पेज ऐड कर लेता हूँ, राइट क्लिक, मैं करता हूँ ऐड, मैं यहाँ पे बोलता हूँ न्यू आइटम, और मैं यहाँ पे लेता हूँ वेब फॉर्म, और मुझे कौन सा वेब फॉर्म लेना है, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, बिना मास्टर पेज का लेना है तो ये लो, मैं यहाँ पे लेता हूँ वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, ऐड करो, कौन सा मास्टर पेज, ये वाला। फिर हम इस भाई साहब के अंदर आ गए, ये देखो। अब फिर यहाँ पे तुम्हें जो काम करना, अपना काम करो, टेबल डाल दो, इंसर्ट टेबल करो, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, डाल दिया। और यहाँ पे जो भी डालना है, यहाँ पे जो भी तुम्हें कोड वोड लिखना है, यहाँ पे अपना बटन सटन डालना है अपना डालो, रोका किसने, ये डाल दो उठा के यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा पेज वन था, पेज वन से मैं पेज टू पे आना चाहता हूँ। यहाँ पे यदि मैं क्लिक कर दूँ तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लिंक बटन, और मैं चाहता हूँ कि लिंक बटन पे मैं क्लिक करूँ तो वो उस पेज पे मूव कर जाए, है ना, तो वो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं पोस्ट बैक यूआरएल, कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो कहाँ जाना चाहिए, वेब फॉर्म 3.ahpx पे जाना चाहिए, ये हमने डाल दिया पोस्ट बैक यूआरएल। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब यदि मैं इसको रन करूँ तो जैसे ही आप वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो जो आपकी कंट्रोल है वो वहाँ पे नेक्स्ट पेज वाले इस पे चला जाएगा, ये देखो। इसी काम को हम कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पोस्ट बैक यूआरएल करके डाल दिया। तो जब कभी भी तुम कोई वेबसाइट का प्लान करते हो तो पहले सोच लो, ये देखो अब आ रहा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट पेज, अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट पेज, देखो वो इस पेज में आ गया। इस पेज में सब कुछ अलग है लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन दोनों सेम है। तो इस तरीके से ना हम लोग पेज को लिंक करते हैं। अब जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ये लिखा, अब मान लो मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बटन हो और इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो अगले पेज पे चला जाए, है ना, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नेक्स्ट। तो कोडिंग के थ्रू भी हम अगले पेज पे जा सकते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डबल क्लिक करो, और एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, और यहाँ पे पेज का नाम डाल दो जो भी तुम्हारा पेज का नाम है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वेब फॉर्म 3.ahpx। अब यदि मैं इसको रन कर दूँ यहाँ पे, अब यदि मैं इसको रन कर दूँ यहाँ पे, ये देखो मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट, तब भी वो आ रहा है दूसरे पेज पे। तो उस तरीके से भी हम करवा सकते थे और इस तरीके से भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहा है, बात समझ में आई। तो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल कैसे लेना है, मैंने आपको बताया टेबल कैसे लेना है, मास्टर पेज कैसे ऐड करना है, इन कंट्रोल से वैल्यूज को उठाना कैसे है ना। तो ये काम पहले आप लोग करके देखेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप्स होगा और भी हम बेहतर फॉर्म बनाएंगे। अभी तो बिल्कुल हमारा चूंकि इनिशियल सेशन है तो मैंने एक देसी सा स्टाइल में एक फॉर्म आपके सामने ला के रख दिया कि भाई इस फॉर्म को आप इस तरीके से यूज़ करो, अपना पेज में जाओ। अब आप लोग के लिए मैं काम दे रहा हूँ जो काम करना है। अब ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसी के ऊपर मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, ये जो डेटा है इस डेटा को उठा के मुझे टेबल में डालना है। आपने सी शार्प के अंदर एडियो डॉट नेट पढ़ा था ना, एडियो डॉट नेट वाले कोड को एज इट इज आदि आप यहाँ पे लगा देते हो तो आपका काम हो जाएगा। एडियो डॉट नेट वाला कोड यदि तुम यहाँ पे एज इट इज चला देते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा।